पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए मुख्य रूप से कुल 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से बोरोन भी एक पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि खेती के लिहाज से बोरोन तत्व का कितना ज़्यादा है महत्व, पौधों में बोरोन के कार्य, कमी के लक्षण और साथ साथ जानेंगे मिट्टी एवं फसलों में बोरोन की कमी को पूरा करने के उपायों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। पौधों को बोरन तत्व की जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन जरूरत होती जरूर है। बोरन तत्व की कमी हो जाने पर कमी के लक्षण पौधों में दिखने लगते हैं और पैदावार पर भी असर डालता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पौधों में बोरन का महत्व या फिर बोरन के कार्य। तो यह बोरन पौधों की कोशिकाओं में घुलनशील रूप में होता है तथा कोशिकाओं की झिल्ली को मजबूत बनाता है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होने वाला पानी तथा अन्य खनिज तत्वों को कोशिकाओं के माध्यम से पौधों के विभिन्न अंगों में यानी पौधों में ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का कार्य यह बोरन करता है। पौधों की परंपरागत क्रियाएं जैसे कि फूलों में परागण निर्माण होना, फल एवं दाना बनना, जिसमें भी बोरन तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधों में अन्य हॉर्मोन्स के उपापचय में एवं उसे पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी यह बोरन करता है। अब पौधों में बोरन तत्व के कमी के लक्षणों की बात करें तो बोरन की कमी से पौधों के जड़ों के विकास में विकृति आने से पौधा गुच्छेदार या झाड़ीनुमा हो जाता है, पत्तियों की रचना खराब हो जाती है। बोरन की कमी से पौधों में कलियां, फूल एवं फल बीज भी कम बनते हैं। फूलों के परागण के लिए बोरन तत्व जरूरी होने से उसकी कमी से फूलों में निषेचन की क्रियाओं में भी रुकावट आ जाती है। कलियां एवं फल अधपकी अवस्था में ही गिरने लगते हैं। कच्ची अवस्था में फलों का फट जाना, पौधों के तने पर एवं टहनियों में दरारें यानी क्रैक पड़ना जैसी समस्याएं भी बोरन की कमी से होती है। तना एवं टहनियां मोटी एवं सख्त होकर टूटने लगती हैं। टहनियों का सूख जाना यानी डाइबैक रोग भी लग जाता है। नई कलियों का बनना बंद हो जाता है एवं पौधों का ऊपरी नया फूटा वाला भाग मुरझाने लगता है। यह सारी समस्याएं बोरन तत्व की कमी से पौधों में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कि बोरन तत्व की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो इस बोरन पोषक तत्व की पूर्ति हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। बोरन को खेत की मिट्टी में मिलाकर, पर्णीय छिड़काव द्वारा और ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से। मिट्टी में देने के लिए फसलों की बुआई या रोपाई के समय ही बोरन तत्व को मिट्टी में मिला देना होता है, जिसके लिए बोरन फर्टिलाइजर की बात करें तो बोरिक एसिड 16.5% बोरन, बोरेक्स आता है जिसमें 11.3% बोरन होता है, डाई सोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट जिसमें 20.5% बोरन होता है। अब डोज की बात करें तो सिर्फ 1 किलोग्राम बोरन तत्व प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, जिसे आप 7 किलोग्राम बोरिक एसिड देकर, 10 किलोग्राम बोरेक्स देकर या फिर 5 किलोग्राम डाई सोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट की मात्रा के हिसाब से भी प्रति हेक्टेयर दे सकते हो, जिसे आप मिट्टी में ना देकर ड्रिप से भी दे सकते हो। या फिर बोरन को आप किसी कारणवश मिट्टी में ना दे सको तो पर्णीय छिड़काव द्वारा भी बोरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। फसलों की 40 दिनों की अवस्था के बाद ऊपर बताए में से किसी भी एक बोरन युक्त खाद का 15-15 दिनों के अंतराल पर कम से कम 2 स्प्रे करने होते हैं। तो यही थी जानकारी पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस बोरन तत्व के बारे में। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। जय किसान, जय हिंद।